पूरे देश में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी विशेषता रही है। और महाराष्ट्र में बहुत जगह पे, अलग अलग जगह पे गणपति बप्पा सार्वजनिक रूप से भी आते हैं और लोगों की श्रद्धा और आस्था देख के दिन ब दिन घरों में भी गणपति बप्पा की संख्या बढ़ी है और वो गणपति बप्पा के प्रति आस्था और श्रद्धा है। उसी श्रृंखला में हमारे भोजू चिन्नप्पा जी जो मीरा भाईंदर में समाज सेवक है, वो हर वर्ष गणेश उत्सव का अपने घर पे आयोजन करते हैं, अपने मित्र परिवार के सभी लोग, सगे संबंधी, सभी पॉलिटिकल लोगों को बुलाते हैं, बड़ी उत्साहपूर्वक त्यौहार मनाते हैं। मैं उनके परिवार को ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जी ज़रूर, मैं आज दूसरा साल है मेरा मोदी चिन्नप्पा जी के उधर, यहाँ पे मैं गणपति महोत्सव में आती हूँ और उनका प्रेम स्नेह और जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही अलग तरीका है और हमेशा सबके दिलों में छाए हुए रहते हैं। उनका काम करने का ऐसा ही तरीका कुछ है, तो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि इस क्षेत्र में, जो समाज सेवक के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़े, हमेशा मैं उनके साथ रहूँगी। और सबसे पहले तो सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी गणेश चतुर्थी की, मेरी तरफ से, विजयराय जी की तरफ से। और अनुभूति मतलब आज जो मेन मकसद था लोकमान्य तिलक जी ने जिस परंपरा, जिस उद्देश्य से इसे शुरू किया था, उसे एक परंपरागत रूप में हम रंग दे रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं सभी लोग मिलके। इसके लिए मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और स्पेशली चिन्नप्पा जी, आई कैन मतलब स्पेशली मैं कहना चाहूँगी चिन्नप्पा मोज़ेस जी, सर्वधर्म स्वभाव का जो हमेशा एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और हमेशा उनके यहाँ पे हर तीज त्यौहार में एक अद्भुत माहौल होता है, इतने शुभचिंतक, इतने भक्तों के बीच में हमेशा वो कार्यक्रम आयोजन करते हैं, इसी तरह करते रहे और सभी को शुभकामनाएँ। और दैट्स इट, आई कैन जस्ट से कि बप्पा आते 11 दिन के लिए है। सबसे पहले मैं गणेश चतुर्थी का बधाई देता हूँ और इस गणेश चतुर्थी के माध्यम से आज महाराष्ट्र में, पूरी दुनिया में आज उनका जो मान सम्मान हो रहा है गणपति जी का, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक घर घर में आज कई साल से ज़्यादा, इस साल मेरे हिसाब से मूल फसल है कि कई साल से ज़्यादा इस सीजन में बहुत से लोगों ने घर पर गणपति लाए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये हर घर घर में हो, ये खुशी का माहौल हो जाता है घर पे, एक घर पे एक मेहमान आने का जो, ये एक बहुत बड़ा मौका है। जैसे अभी मैंने कहा कि जब रूबीना फिलो चिन्नप्पा मोज़ेस के बुलावे पर गणपति बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं, तो यही साबित होता है, यही बात ये सिद्ध करती है कि हम सब एक हैं। यही हमारे मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब है जो हज़ारों सालों से हम लोगों ने फॉलो की है, जहां हर धर्म, हर जाति, हर लैंग्वेज, हर जबान के लोग यहां पे सालों साल से बसते आए हैं, जहां ईद भी उतनी ही खुशी से मनाई जाती है जितनी खुशी से दिवाली हो या गणपति के, गणपति का अवसर हो, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, आप देखेंगे कि हर मज़हब के लोग इसमें पूरे दिल से शामिल होते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारे देश। शिक्षा तो बचपन से मुझे सोसाइटी से मिली है। जब मैं छोटा था तो मैं यही देखता था कि मेरे जो अड़ोस पड़ोस के जो व्यक्ति है, जो मंडल बनाते हैं, वो अच्छे अच्छे नौकरी पे, बड़े बड़े व्यवसाय में, बिजनेसमैन है, काम करते हैं। पर मैंने देखा है कि वो 11 दिन छुट्टी ले लेते ऑफिस से, छुट्टी ले लेते। मैं लकी हूँ कि मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, घर पे मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मुझे छुट्टी लेनी नहीं पड़ती। मैं शाम को पापा का सेवा कर लेता हूँ। पर अगर आप बॉम्बे में छुट्टी लिया हो घर पे, तो आई थिंक वो हम लकी है। मैं उस माहौल में पैदा हुआ था कि ये नॉर्मल है, सबको लगता है कि ऐसा कैसे मैनेज कर पाते हो। लेकिन आज शायद 7वां दिन है और बड़े आराम से हुआ। इनफैक्ट उनके अभी 4-5 दिन और बाकी है, तो हम और धमाल करेंगे। उनका बप्पा का जो मंडप लगता है, जो उनका आगमन से पहला जो मंडप घर में लगता है, पॉजिटिविटी वहीं से शुरू हो जाती है। इनफैक्ट हमारे ऑफिस में या मैं जहाँ रहता हूँ, काफ़ी जगह पे वास्तु को लेके लोगों के मन में शंका होती है कि घर, अभी जैसे मेरे आप घर को देखो तो 2 दरवाज़ा है, लेकिन आप देख रहे हो मैं 3 टाइम खा रहा हूँ, खुश हूँ, पैसे हैं, इज्जत है, सब कुछ है। तो मैंने गणपति बप्पा को बिठा दिया और मैंने कहा वास्तु का दोष आप ही हटा दो। तो गणपति अपना बप्पा को विघ्न हरता है, उनके काफ़ी मीनिंग है। और आई थिंक उनके आने से और उनके जाने के बाद भी जो आशीर्वाद है वो तो
महसूस किया जाता है और हम लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं।